श्रोता मित्रों को, संगीत के अनुरागियों को हमारी ओर से, हम सभी की ओर से सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। आज बड़ा अच्छा संयोग बना है कि मुझे सप्तक के लिए चार शब्द बोलने हैं। सप्तक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सप्तक के द्वारा आजकल एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अंतरनाद। अंतरनाद जो है ये अच्छे उभरते कलाकारों को मौका दे रहा है, उनको आर्थिक सहयोग दे रहा है। सप्तक का ये बहुत बड़ा संगीत के लिए योगदान है। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि अंतरनाद के द्वारा नए लोगों को, कुछ पुराने लोगों को भी, जो भी संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इस समय सभी का कार्यक्रम ठप है, इनकम ठप है, तो ये एक मौका अंतरनाद के द्वारा मिल रहा है कलाकारों को। हम हृदय से बहुत ही शुक्रगुजार हैं सप्तक संस्था और सप्तक परिवार के। हम उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। सप्तक से हम कितने जुड़े हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं है। सप्तक का पूरा परिवार, सप्तक के श्रोता सब जानते हैं। जिस समय 1980 में, जहाँ तक हमको याद है, पंडित रविशंकर और पंडित किशन महाराज जी का कार्यक्रम हुआ था, उसके पहले मैं सप्तक में था, मैं सिखलाता था जाके, और हमको असीम प्यार, असीम स्नेह सप्तक से प्राप्त होता था, सप्तक परिवार से मिलता था। सप्तक का कार्यक्रम 1980 के बाद से शुरू हुआ है, निर्विरोध चल रहा है। इसके लिए मैं उन लोगों को, सप्तक परिवार को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देता हूँ। अंतरनाद कार्यक्रम के अंतर्गत आज मेरे बहुत प्रिय शिष्य श्री देव नारायण मिश्र, जो हम कह सकते हैं कि जो मेरे जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उनमें एक देव नारायण भी हैं, और देव नारायण का ज्ञान उनको विरासत में मिला है। ये लोग खानदानी हैं और इनके परदादा, नकरदादा तो तबला के नवाज थे, पर इनके दादाजी पंडित श्री चंद मिश्रा जी श्रीमती गिरिजा देवी जी के गुरु भी थे, और इनके नाना जी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव जी मिश्र, जो सारे हिंदुस्तान में ठुमरी सम्राट के नाम से जाने गए हैं, उस घर का ये बच्चा हमको मिला। अच्छा, जितना गुरु के लिए खुशी की बात होती है, शिष्य के लिए खुशी की बात होती है गुरु पाके, उतना ही गुरु के लिए भी खुशी की बात होती है अच्छा शिष्य पाके। तो हम जो अपने अच्छे बच्चों को पाए हैं, उनमें से एक हमारे देव नारायण भी हैं। देव नारायण का तबला, देव नारायण का गुण, आप अभी तो बहुत छोटे हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत बचपना है, फिर भी जो देव नारायण में गुण है वो आप ज़रूर समझिएगा, देखिएगा उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, और खूब दिल से आशीर्वाद दीजिए। तो मैं अपना आशीर्वाद देव को देता हूँ और आज के कार्यक्रम के लिए शुभकामना देता हूँ। फिर से मैं अंतरनाद और सप्तक को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। प्रणाम, मेरा नाम देव नारायण मिश्रा है। मैं वाराणसी से आप लोगों के समक्ष तबला वादन प्रस्तुत करने आया हूँ, और मैं पंडित पूरण महाराज जी का शिष्य हूँ।
और सब तक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि इन लोगों ने जो अंतरनाद एक सीरीज़ शुरू की है जो कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे पब्लिश होती है, इसमें उन्होंने मुझे प्रेजेंट करने का मौका दिया। और दूसरा धन्यवाद मैं ध्रुव सहाय जी हैं भैया मेरे, और ये पंडित राम सहाय जी जो हमारे घराने के प्रवर्तक हैं उनके परिवार को बिलोंग करते हैं और आज मेरे साथ सारंगी पे संगत करने वाले हैं। तो आप आशीर्वाद दें कि मैं अच्छा बजाऊं।
बढ़िया।
इसके आगे की कड़ी में मैं कुछ टुकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि सभी टुकड़े हमारे घराने के विद्वानों के बनाए हुए हैं। और मैं बारी बारी सब अलग अलग नहीं बोलूँगा और बजाता जाऊँगा। आप लोग सुने और आशीर्वाद दें। Oh,
एक दो टुकड़े और बजाऊंगा अंत में और समापन करूंगा। करने जा रहा हूँ एक बहुत ही पुराना टुकड़ा है और उसका बहुत ही सुंदर प्रकार मेरे गुरुजी द्वारा बनाया हुआ है, उससे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और इसके पहले जो भी आपने सुना ये लास्ट टुकड़ा, ये भी गुरुजी की ही रचना थी और बस समापन करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दे। क्या बात? देता हूँ और फिर बजाऊं। तिन तिन नाच के दिन दिन दादे दादे दाद नागर तक 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 नागर दाते 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 ना कर दाकर तक ताकर तक ताकर तक गिर तक तगा गिर तक तगा तक दा तक दा तक दा तक दा दिन ना दिन ना गिना गिन कर कर दिन दिन ता दिन ना कर दा दा 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 दिन दा दिन ना कर दा दा दिन ना कर दा दा दिन ना कर दा 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 द
धन्यवाद सभी का।